गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज लेसन 3 वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चों आज हम सभी क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज पढ़ेंगे। सोशल स्टडीज में हमने लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था, आज हम सेकंड पार्ट शेयर करेंगे। उसमें कुछ पार्ट रिमेनिंग भी हो गया था। इन समर गर्मी में प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द सी आर इनलैंड प्लेसेस आर हॉट बिकॉज द लैंड हीट्स अप वेरी क्विकली। प्लेसेस बाय द सी रिमेन कूलर एज वाटर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट। जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं वह स्थान गर्म होता है क्योंकि जो भूमि होती है बहुत तेज़ी से गर्म होती है, और जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वो ठंडा होते हैं क्योंकि जो पानी होता है समुद्री जो पानी होता है लंबे समय तक उसे गर्म देता रहता है। इन विंटर प्लेसेस बाय द सी आर वार्मर एज वाटर कूल स्लोली एंड सो इट कीप्स सी साइड प्लेसेस वार्म। प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी आर कोल्ड एज लैंड हियर लूसेस हीट वेरी फास्ट। और जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वो गर्म होते हैं क्योंकि जो पानी होती है वह धीरे धीरे ठंडी होती है, और इसलिए वहाँ पे जो समुद्र के पास जो स्थान होते हैं वो गर्म होते हैं, जो दूर होते हैं वह ठंडा होते हैं, और यहाँ की जो भूमि होती है बहुत तेज़ी से अपना ऊष्मा छोड़ देती है, मतलब गर्मी छोड़ देती है। यू कैन सी दिस फॉर्मर टेबल डैट सो समर एंड विंटर टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली इज इन लैंड फार अवे फ्रॉम द सी मुंबई वाइल मुंबई इज नियर द सी। आप इस टेबल को देखिए बच्चों, यह गर्मी और ठंडा दोनों के तापमान को दिखाया है, जिसमें दो शहर दिल्ली और मुंबई है। दिल्ली जो एक ऐसा जगह है बच्चों जो समुद्र से बहुत दूर है, जबकि मुंबई समुद्र के पास में है। दिल्ली का जो टेम्परेचर देखिए, डिस्टेंस भी दिया गया है इसमें। दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है, और मुंबई का जो कि समुद्री तट पर स्थित है। यहाँ का जो दिन रात तापमान होता है, दिन में बच्चों 39 दिल्ली में और 26 जो कि मिनिमम होता है, वहीं मुंबई में देखेंगे 33 होता है दिनों में, और रात में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप जनवरी ठंडा में देखेंगे तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 7 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होता है। ये समुद्र से दूरी का कारण है। और यही मुंबई में देखेंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए आप मुंबई में जाएंगे, जितना हम लोग स्वेटर पहनते हैं वहाँ पर उतना यूज नहीं होता है। और वर्षा का भी कारण वहीं से होता है बच्चों, जो समुद्री तट पे जो शहर बसे हुए हैं वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। प्लेसेस नियर द सी आर आल्सो मोर ह्यूमिड, दिस मीन्स डैट दे हैव अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। हाई ह्यूमिडिटी इज इनकम्फर्टेबल्स एज प्रेसिस्पिरेशन डज नॉट ड्राई इजली। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर नियर द इक्वेटर, द क्लाइमेट देयर इज हॉट एंड ह्यूमिड। जो स्थान समुद्र के पास होते हैं वह बहुत ज़्यादा नमी होती है, इसका मतलब ये होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जलवाष्प होता है वायु में, मतलब वायु में होता है, वायु जो एयर बना होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें वेपर का मात्रा ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा नमी होती है वह हमारे लिए असुरक्षित होती है क्योंकि वहाँ जल्दी सूखापन नहीं आप देखेंगे। जो ऊँचा नमी होता है वो हमारे लिए असुरक्षित होता है। अंडमान और निकोबार एक ऐसा द्वीप है जो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के पास है, और यहाँ की जलवायु में गर्मी और नमी दोनों हो। तो आगे देखते हैं बच्चों, विंड्स हवाएं, द डायरेक्शन द रेगुलर विंड्स दैट ब्लो एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर हैव एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट टू।
जो निरंतर जो हवाओं की जो दिशाएं होती हैं वह एक सालों साल समय पर बहती रहती हैं और इससे हमारे जलवायु पे भी इसके प्रभाव होता है। एन एग्जाम्पल इज़ द मानसून विंड दैट ब्लो ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक उदाहरण के रूप में जो मानसूनी हवाएं होती हैं वह पूरे भारत के उपमहाद्वीपों में बहती रहती हैं। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम अर्ली जून टू सितंबर एंड ब्रिंग्स लैंड टू मोस्ट ऑफ इंडिया। जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की जो हवाएं होती हैं वह जून से शुरू होती है और सितंबर तक बहती हैं और उसके बाद अधिकतर भारत के क्षेत्रों में वर्षा होती है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स विच ब्लो इन दिसंबर एंड जनवरी ब्रिंग्स रेन टू द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन दिस लेटर चैप्टर। उत्तरी पूर्वी जो मानसून की हवाएं होती हैं वो दिसंबर में बहना शुरू होती है जनवरी में और उसके बाद दक्षिणी और पूर्वी भागों के समुद्री क्षेत्रों के जो हमारे देश में वर्षा का रूप लेती है। आप इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन अगले पाठ में करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट हैपन बिकॉज ऑफ जियोग्राफी। द अर्थ एटमोसफेयर एंड वेयर अ प्लेस इज लोकेटेड ऑन अर्थ। इन दिस इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न सम मोर अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। मौसम और जलवायु की जो घटनाएं होती हैं वो भौगोलिक होती हैं। जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है और जहाँ पर हमारा स्थान स्थित है इसके होता है वायुमंडल होता है। इस पाठ में जो भी अध्ययन किए बच्चों अगले आप पाठ में इससे और भी ज़्यादा जानकारी पृथ्वी की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से आप लोग का यह चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले में हम ग्रुप में आप लोग को अपना जो भी वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज है उसको हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इसमें हम जो भी एक्सरसाइज है आप पूरा कराएंगे। आप लोग अपनी कॉपी पूरी करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।